गुड मॉर्निंग, मैं नरेश कुमार यादव। आज आपको एक्टिवा में जो हेड से इंजन ऑयल लीक होने की समस्या है उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे उसे ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसका हुड है इसको खोल लेंगे। 12 नंबर के नट हैं तीन जो सीट के नीचे लगे हुए हैं, इनको हमने खोल लिया है। ये वही रेचेट है जो मैंने अभी अमेजन से मंगाया था। एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे इनको, 12 नंबर के बोल्ट को। एक सीट में नीचे है और दो ऊपर लगे रहते हैं। ये तीनों नट हमने हटा दिए और अब इसका हुड जो है ये ऊपर को उठ जाएगा। नीचे सेफ्टी स्टैंड लगा लेंगे हम और हम अब इसमें काम कर सकते हैं आराम से। तो ये देखिए हेड है, ये हेड में ये यहाँ पर को देखिए काला काला सा ये मिट्टी जमी हुई है। मिट्टी इसलिए जमी हुई है कि इसमें कहीं पर से हेड का इंजन ऑयल जो लीक हो रहा है वो डस्ट पकड़ रहा है और पूरे इंजन को धूल मिट्टी से सान रखा है उसने। तो ये इसलिए हो जाता है कि इंजन ऑयल हमारे लीक हो जाता है स्कूटी का, तो वो फिर चिकनाई की वजह से डस्ट पकड़ती है और ये जो है हेड के चारों तरफ इंजन के तारों तरफ जमा होने लगता है। इससे दिक्कत यह है कि एक तो आपका इंजन ऑयल धीरे धीरे कम होगा, बहुत कम मात्रा में, परंतु ज़्यादा समय तक अगर इसको इग्नोर किया जाए तो लीकेज की समस्या बढ़ सकती है। दूसरी प्रॉब्लम ये होगी कि जब इस पे डस्ट पड़ेगी तो डस्ट का एक कोट बन जाएगा और डस्ट क्योंकि चिकनाई की वजह से डस्ट उसमें जम जाएगी तो इंजन को वो कवर कर लेगी। कवर करने से क्योंकि स्कूटी और बाइक का इंजन जो है एयर कूल्ड सिस्टम होता है, मतलब हवा के द्वारा ये इंजन के टेम्परेचर को ठंडा रखते हैं, तो जब इसमें हवा टकराएगी तो सीधे सीधे जो इंजन है उसको ठंडा नहीं कर पाएगी और इंजन जो है ज़्यादा गर्म रहेगा या कह लीजिए ओवर हीट रहेगा। तो इस परेशानी से बचने के लिए प्लस लीकेज की समस्या को दूर करने के लिए और कुछ आगे बड़ी प्रॉब्लम ना आए उसको ठीक करने के लिए हमें गैस्केट चेंज करनी पड़ेगी इसकी हेड की। ये देखिए, ये देखिए इंजन ऑयल प्रेशर से ऊपर आता है और अगर कहीं से लीक होगा तो वो कम होगा। ये हेड हमने ढक्कन खोल लिया था। इसमें क्या करना है कि एनाबोंड एक ट्यूब आती है, उस ट्यूब को लेकर के आपने इस हेड के कवर पे लगा देना है। एनाबोंड को लगाना है, उसके बाद जो गैस्केट है उसको लगाना है। ये सब करने से पहले जितना भी ऑयल सरफेस पे लगा हुआ है उसको क्लीन कर लेना है हमने और फिर इसमें हेड के चारों तरफ भी जो जहाँ से कवर हमने खोला था उस पे भी एनाबोंड का पेस्ट लगा देना है। इसके बाद ये गैस्केट हमने हेड के कवर में फिक्स कर देनी है। शेप इसका जैसा है उसके हिसाब से इसको फिट करना है। ये इसमें एक खांच कटी हुई है, इस साइड को ये रिंग थोड़ी सी उठी हुई रहेगी। ये इस तरह से इसको बैठा लेना है। आप देख लीजिए कहीं पर जगह छूटे ना, एनाबोंड जो पेस्ट है उसको चारों तरफ लग जाए अच्छी तरह। लीकेज की प्रॉब्लम इसलिए आ जाती है कि गाड़ी को कंटिन्यू 6-7 घंटे हम ज़्यादा रन कर लेते हैं बिना ब्रेक के, तो इंजन ज़्यादा गर्म हो जाता है।
ऐसे में गैस्केट लीक होने का चांस हो जाता है, तो कंटिन्यू ड्राइव ना करें और बीच बीच में रेस्ट लें उसको, और रेस्ट भी कम से कम आधा घंटा तो रहे, 5-6 मिनट की रेस्ट से कुछ नहीं होगा। दूसरा यह है कि इंजन जब बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, हम चलाते हैं तो पानी कहीं भरा रहता है, तो उसके अंदर से निकालते समय बचें कि वो पूरा पानी इंजन को टच करे, क्योंकि एकदम से गर्म चीज़ है और उस पर पानी टच होगा तो मेटल आपको पता ही है कि श्रिंक करेगी, एकदम से रिएक्ट करेगी वो, तो इन चीज़ों को भी अवॉइड करें आप, इनसे आप बचाव रखें। बारिश के टाइम में इंजन को एकदम पानी से गड्ढे जहाँ भरा रहता है उसके अंदर से निकालने की कोशिश ना करें। बहुत ज़्यादा खर्चा इसमें नहीं आया, 60 रुपये की ये जो है हेड की गैस्किट है, और इसको हमने केवल 50 रुपये का पेस्ट आता है एनाबोन नाम से, वो पेस्ट हमने यूज़ किया है, और उस गैस्किट को हमने नई को इसमें लगा दिया है। एनाबोन पेस्ट लगाते समय ध्यान रखिए कि जो ऑयल गैलरी का जो सुराख बना रहता है हेड पे, और गैस्केट के भी बना होगा कोने में एक जगह, उस पे जो है एनाबोन का पेस्ट न लगाएं। ये देखिए यहाँ पर को है वो कोने में, और ऊपर में जहाँ मेरा हाथ रहा है उस पे इस कोने में लेफ्ट साइड को एक छोटा सा होल बना हुआ है, तो यहाँ पर भी एनाबोन नहीं लगाना है, और इसी के सामने जो हेड का ढक्कन आएगा उस पे भी एनाबोन पेस्ट न लगे। ये जो अगर सुराख बंद हो गया तो जो इंजन का ऑयल प्रेशर से पंप से ऊपर को आता है वो क्या होगा, बंद होने से नहीं हो पाएगा और लुब्रिकेशन नहीं हो पाएगा और इंजन सीज होने का खतरा रहेगा इसमें, और 100% सीज हो जाएगा अगर ऑयल गैलरी से पास नहीं होगा तो। ये देखिए हमने हेड का कवर लगा दिया है, ये लगा दिया हेड का कवर, अच्छे से बैठा लेना है इसको आराम से। जब बैठ जाए तो ये 10 नंबर के दो बोल्ट हमने जो खोले थे उनको आप हाथ से पहले दो दो चूड़ियाँ हाथ से कस लें, उसके बाद रैचिट या टॉमी बार से उसको कस लीजिए। ये हाथ से बैठाने इसलिए ज़रूरी है कि स्क्रू अपनी जगह पे पकड़ ले और टेढ़ा जाएगा तो आपको अंदाज आ जाएगा, और सीधे रैचिट से कसेंगे तो वो टेढ़ा अगर कसे गए तो एल्युमिनियम का ये होता है, इसमें एक बार चूड़ी ख़राब हुई तो पूरा हेड कवर बदलना पड़ेगा, इसलिए पहले हाथ से घुमा लीजिए। क्लॉकवाइज इनको घुमाएंगे तो टाइट होंगे, और खोलते समय इनको एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके खोलना है। रैचेट से काम इजीली हो जाता है, एक ही जगह पर हमें नट को घुमाने के लिए ये रैचेट काफ़ी अच्छी तरह काम करता है। और फिर ये होज पाइप जो मैंने पकड़ी हुई है, जो हमने निकाली थी इसकी, ये यहाँ पर से सुरा जो पाइप दिख रहा है ये, इसमें हम ये होज पाइप भी लगा देंगे जो मैंने इस तरफ लेफ्ट साइड में पकड़ी हुई है, ये हेड के जो हैं दो बोल्ट हैं 10 नंबर के, ये कस दिए हैं। आपने कुछ नहीं खोलना है, खोलते समय इन दोनों नटों को ही खोलना है। ये जो है ये देखिए ये मैंने लगा दी है हॉस पाइप, और बस जो नट हमने सीट के खोले थे हुड को बैठाना है, और हुड के वो 3 नट भी हमने 12 नंबर के वापस टाइट कर देने हैं। इनको बहुत ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ठीक टाइट होने चाहिए। तो इस तरह देखा हमने घर पे बिल्कुल आराम से हेड की गैस्केट बदल दी, जिससे ऑयल की लीकेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। वीडियो आपको पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो, तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।